तो आज हम एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग सीखेंगे 16 एम्पीयर सॉकेट और 16 एम्पीयर स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें इस तरीके के 16 एम्पीयर सॉकेट और 16 एम्पीयर स्विच इस तरह से आपको फिट करनी है, देख सकते हैं आप। तो जल्दी से मैं फिट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फिट कर लिया मैंने। स्क्रू हमेशा टाइट कर लीजिए अच्छी तरह ताकि बोर्ड मजबूत बने और हिले डुले ना। तो वायर कनेक्शन करते हैं जल्दी से। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो लंबी ना बने और आप सीख भी जाएं अच्छी तरह। तो चलिए जल्दी से कनेक्शन। अगर आप ये बोर्ड घर पे बनाते हैं तो मटेरियल आपको इलेक्ट्रिकल की शॉप से इजीली मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिए। तो थोड़ा पास से आपको दिखा दूँ, इस तरह से कुछ कनेक्शन होंगे। ये वायर हमारी न्यूट्रल की रहेगी और ये फेस हमारे स्विच के थ्रू आएगा और न्यूट्रल डायरेक्ट सॉकेट में। तो चलिए जल्दी से फिटिंग कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों अभी हमें बोर्ड को कहीं पे शेयर करना होगा ताकि हमारी तार आसानी से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं सुराख मैंने कर लिया। अभी तार को हम बाहर निकालते हैं कुछ इस तरह, तार हमारी निकल आई बाहर। तो इसको करेंगे बंद, बंद करके तो स्क्रू एक यहाँ पे स्क्रू लगेगा हमारा। जल्दी से स्क्रू फिट करते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छी तरह कनेक्शन के बारे में पता चल जाए और आप घर पे आसानी से कनेक्शन कर सकें। कनेक्शन हमारी कंप्लीट है, तार कुछ इस तरह से मैंने बाहर निकाल दी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें अपना।